कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो आज हम अम्बेवली गांव में आए। इस गांव का नाम क्या? उमरनी गांव, अम्बेवली ईस्ट डिस्ट्रिक्ट थाने। तो ये है मेरे साथ इमरान खान, और ये वो चौल है जिसको इमरान खान ने डेवलप किए। कैमरामैन से कहूँगा जरा आगे आइए। चलिए आप आगे चलिए। ये घर है जो मिस्टर इमरान खान ने डेवलप किए। इमरान भाई, इसका एरिया कितना है? ये कारपेट एरिया जो है 300 है, 1 BHK बोलते हैं। ये किस उसको क्या हॉल बोलते हैं? ये हॉल। आगे आइए। ये क्या आगे बताएगी जरा? किचन। ये किचन बराबर आगे। ये बाथरूम है। थोड़ा कैमरे में देखो, जरा दिखाइए ये बाथरूम और ये टॉयलेट जरा दिखाइए। और ये सामने का इधर आइए, इमरान भाई इधर आइए। थोड़ा करीब आइए। तो इमरान भाई, जो टोटल एरिया आपने कितना बताया? ये 300 कारपेट एरिया है। 300 कारपेट एरिया। और ये जो जमीन है, ये फॉरेस्ट है, क्या है ये? ये मालकी जगह सात बार की मालकी जगह। तो ये जो आपने जो एक घर बनाया, इतना खूबसूरत घर बनाया, कैमरे में से करो जरा, यहाँ से भी दिखाइए वो हॉल कैसा लग रहा है। इमरान भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बोरिंग का पानी है कि यहाँ पे तो केडीएमसी क्या है? हमने दोनों फैसिलिटी रखा, हमने बोरिंग भी मारा है ताकि लोगों को किसी तरह का, और इसका बीएमसी का नहीं है। जरा फैन बंद कर दीजिए ना, फैन से जरा आवाज गूंज रही है। तो यहाँ पे केडीएमसी का भी पानी है और बोरिंग का भी पानी है। केडीएमसी का पीने के लिए, बोरिंग का अगर काम के लिए इस्तेमाल के लिए, तो पानी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपने बाथरूम किसी वाटर टैंक भी लगा दीजिए, जरा कैमरा मैन से कहूंगा वाटर टैंक भी दिखाइए, स्टोरेज वाटर टैंक जो बाथरूम के ऊपर है। इमरान भाई, अगर कोई मुंबई का या कहीं का भी कोई सिटीजन आता है, इस घर को खरीदना चाहता है, तो इसकी क्या प्राइस होगी? ये 10 लाख में पड़ेगा। ये 10 लाख रुपए में पड़ेगा। और इसका जो घर पट्टी रहता है या लाइट मीटर रहता है, वो आप ट्रांसफर करके देंगे कि जो खरीदा वो कब? नहीं नहीं, ये हम सब करके देते हैं। तो लाइट मीटर का जो ट्रांसफर का रहता है, वो घर पट्टी का आप करेगा? उसको सिर्फ आके सामान रख के अपने को सेटिंग करना है, टोटल फैसिलिटी करके। तो मेरे ख्याल से अगर 10 लाख रुपया जो इसकी कॉस्ट कह रहे, अच्छा ऊपर सीमेंट शीट है, इन फ्यूचर में अगर जिसने खरीदा वो ऊपर बना सकते हैं? सोसाइटी के हिसाब से, क्योंकि सोसाइटी हमने रखा है, सोसाइटी रखेंगे, अभी रजिस्टर नहीं। अभी रजिस्टर नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन फ्यूचर में अगर कोई ऊपर बनाता है तो उसका, उसको कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा कुछ, तो उसकी मार्केट रहेगी? मार्केट तो उसकी रहेगी, मतलब कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की और जगह को इतना डेवलप किए इतनी मेहनत के बाद। हाँ, तो वो चीज़ जो भी उसका कॉस्ट आएगा, खर्चा आएगा डेवलपमेंट, हाँ वो रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये 10 लाख रुपया जो उसकी कॉस्ट बोल रहे हैं, जबकि ये अंदर 300 स्क्वायर फीट है अकॉर्डिंग टू मिस्टर इमरान खान, मोहम्मद इमरान खान,
तो मेरे ख्याल से ये कोई बुरा सौदा नहीं है। और अगर एक फैमिली रहती है, एक मियाँ बीवी और दो तीन बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और इसमें इन फ्यूचर में, क्योंकि पीछे ही जो दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस है, 1350 किलोमीटर का जो एक्सप्रेस है, वो एक्सप्रेस जो 1 लाख करोड़ के ऊपर जिसकी कॉस्ट है, वो उसका यहाँ से सर्विस रोड जा रहा है ना, यहाँ से सर्विस रोड, बस ये इसके बाजू से ही है, बिल्कुल। यानी मैंने अपनी आंखों से देखा होगा, यहाँ से हम एक पत्थर फेंकेंगे तो वो जो सर्विस रोड जा रहे हैं दिल्ली मुंबई का, वो सर्विस रोड पर पत्थर जाके गिरेगा। तो मेरे ख्याल से भी, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड ओपिनियन, ये सौदा महंगा नहीं है। और अगर 10 लाख रुपए में डायरेक्ट है, किसी का बीच में लेना देना नहीं है, 10 लाख रुपए डायरेक्ट दो अपने नाम पे, घर पट्टी और लाइट मीटर कर लो, तो मेरे ख्याल से कोई बुरा नहीं है। और मजीद इसके क्या फायदे, फ्यूचर क्या है, जरा आप बताइए। इसका फ्यूचर ये है कि देखिए, ये कमर्शियल एरिया हो जाएगा। ओके, ये कमर्शियल एरिया हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ से बाईपास कर रहे हैं, हाईवे जो है सर्विस रोड भी बोले ना, सर्विस रोड, सर्विस रोड बराबर। और बाजू में चौक बन रहा है, यहाँ पे चौक भी बन रहा है, स्टैंड वगैरह सब यहाँ से होगा। तो इसका फ्यूचर जो है उसके हिसाब से ये तो मार्केट में जाएगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अक्सर मैं मुंबई और पुणे का सफर करते रहता हूँ, और मैं देखता हूँ कि जहाँ पे भी ऐसा सर्विस रोड रहता है, तो वहाँ पे काफी दुकानें बन जाती है। और आपकी मैंने देखा बाहर गाड़ी के साथ गाड़ी के आपने बनाए, तो उस लिहाज से। और सबसे बढ़ के गौतम अदानी का जो NRC का जो ये टाउन प्लानिंग का काम चालू है, 650 एकड़ में जो अम्बेवली ईस्ट में है, और फ्रंट साइड का पोर्शन जो हमने अक्सर वीडियो लिया, तो खाली है अभी, काम चालू है, खाली खुदाई होकर रख दी। लेकिन रियर साइड में, बैक साइड में जो है वेयर हाउसिंग बन रहा है। आज ही मैं यूट्यूब पे, गूगल पे इसकी सर्च कर रहा था, उसमें बताया गया है कि वेयर हाउस और हाउसिंग लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक का बहुत बड़े पैमाने पर गौतम अदानी करे। भले ही हाल फिलहाल उनकी तबियत नासाज है, इंडियन बर्ग रिसर्च की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नासा के रहने वाली नहीं है। और गौतम अदानी और उनके सर पे साया किसका है, हार किसका है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है गौतम अदानी के गॉड फादर जो हमारे PM नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जो 2014 में आए थे दिल्ली के तख्त पे, वो जो अपना तख्त पे काबिज हुए थे, तो उस टाइम मैंने रविशंकर का इंटरव्यू देखा था, जो लॉ मिनिस्टर बने थे BJP गवर्नमेंट में, उन्होंने कहे थे कि हम 20 साल तक तो जाने वाले ही, और हाल फिलहाल हम देख रहे हैं 8 साल चला के 2 साल बाकी, यानी कि 10 साल तो गुजर गया। और 24 में भी भले ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की और उनका बहुत ही ज्यादा नाम है, लेकिन उनको भी मोदी से टक्कर लेना पड़ेगी 2024 में। तो इमरान भाई, मुझे ये बताइए कि अगर कोई सिटीजन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और ये घर लेता है, तो आपके लिहाज से क्या है? एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, जिस तरह का आज का जो पोजीशन है, जो जिस तरह से काम चालू है, तकरीबन 18 रोड बड़ा यहाँ पे रोड है, जिसमें 400-500 फीट का तो हाईवे है, 90 फीट का एक हाईवे है यहाँ पे, बराबर बराबर, तो 60-70 फीट का तो बहुत से रोड है। तो आने वाला 2 साल के अंदर में ऐसा लगेगा कि हम बाहर कंट्री में बैठे रात के टाइम में, ऐसा यहाँ का नहीं। दूसरी बात क्या है कि मैं आते टाइम देखा अंबेडकर चौक से, मैंने देखा हूँ कि जितनी भी गटर है सब वो RCC हो रहे हैं। और ये आज ही मैं जो आया मेन रोड को भी मैंने देखा, जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ भी पूरा RCC का रोड का काम चालू है, टोटल काम चालू है। तो हमारे लिहाज से भी ये उमरनी गाँव में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई सिटीजन रहने के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, कि ठीक है मैं 10 लाख रुपए में इसे ले लेता हूँ, भले ही जो भी भाड़ा आएगा, लेकिन इन फ्यूचर में इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से ही मलाई है। एक तो गौतम अदानी ने NRC लिमिटेड खरीद ली है 650-670 एकड़ का, और बड़े पैमाने पे काम चालू। और ये बात समझ लीजिए, जहाँ पे रोजगार रहते उसी जगह की कीमत बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड अच्छे होंगे, और जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, तो उस जगह का ही वैल्यू बढ़ता है। तो मेरे लिहाज से भी इस जगह इन्वेस्टमेंट करना बहुत बेहतर होगा। और मिस्टर इमरान खान भी यही कह रहे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इमरान खान की यहाँ पे फ्लैट भी है, गाले भी है, शॉप भी है, और वो 24 घंटे आपको अवेलेबल भी है। कुछ मजीद आप कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आने वाला समय में लोगों के लिए, आज तो थोड़ा हुआ है, लेकिन कल के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है। 20-25 लाख में भी घर यहाँ पे नहीं मिलेगा, बेशक बेशक नहीं मिलेगा। तो काम जिस तरह से हो रहा है, जिसका भी अगर नजरिया 2-4 साल या 5 साल का है, तो उसको यकीनन 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 यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो हम भी रिकमेंड करेंगे कि सिटीजन को इस वीडियो को देखने के बाद
यकीनन उम्बरमी गांव जो अंबिवली ईस्ट में, यानी कि एक तरीके से कह सकते कि टिटवाला ईस्ट में है, दोनों के बीच में ही अंबिवली टिटवाला के बीच में डिस्ट्रिक्ट थाने, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन सौदा है।